बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह तबारक व तआला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। नाज़रीन मोहतरम, आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको बयान करेंगे कि भेड़िए से तमाम जिन्नात क्यों डरते हैं और अल्लाह तबारक व तआला ने भेड़िए को कौन कौन सी सलाहियतें अता फरमाई हैं और तुर्कों ने और मंगोलों ने अपना कौमी जानवर भेड़िया क्यों मुंतखब किया है और अल्लाह तबारक व तआला ने भेड़ियों को ऐसी कौन सी ताकत दी है कि जिसकी वजह से ये भेड़िया जिन्नात पर हमला करके उनको मौत के घाट उतार देता है और तुर्क कौम अपनी औलाद को भेड़िए से क्यों तशबीह देती है और हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक भेड़िए ने हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक क्या बयान किया था। नाज़रीन मोहतरम, भेड़िया बहुत ही खूनखार जानवर है और इसकी ग़िज़ा भेड़ बकरियाँ हैं और सब्जियों में यह तरबूज बहुत शौक से खाता है और माहिरीन के मुताबिक ये अपनी खुराक को हजम करने के लिए तरबूज खाता है और ये वाहिद जानवर है जो कि अपने वालदैन का वफादार होता है और ये बुढ़ापे में इनकी खिदमत करता है और ये अपनी माँ और बहन को बुरी निगाह से नहीं देखता और ये एक गैरतमंद जानवर है और ये गुलामी को कबूल नहीं करता। इसी वजह से तुर्क कौम शेर की बजाय भेड़िए से अपनी औलाद को तशबीह देते हैं क्योंकि इनके नज़दीक शेर की तरह खूनखार बनने से बेहतर है कि भेड़िए की तरह नस्ली बना जाए और इसी वजह से तुर्क कौम और मंगोलों ने भेड़ियों को अपना कौमी जानवर मुंतखब किया है और ये तमाम जानवरों में ज़्यादा बोलने वाला जानवर है और इसकी आवाज़ इंतहाई खौफनाक होती है जो कि 10 किलोमीटर तक सुनाई देती है और ये अपनी आज़ादी पर किसी किस्म का समझौता नहीं करता और किसी की गुलामी पसंद नहीं करता। गुलामी की सूरत में ये मौत को कबूल करना पसंद करता है। इसी वजह से इसको चिड़ियाघर में कैद करके नहीं रखा जा सकता क्योंकि जब यह कैद हो जाता है तो ये खाना पीना बंद कर देता है और भूख और प्यास की वजह से ये मर जाता है क्योंकि गुलामी को कबूल करना इसकी फितरत में शामिल नहीं है। अगर इस जानवर को पालना मकसूद हो तो इसके छोटे से बच्चे को पाला जा सकता है और भेड़िया कभी मुर्दार नहीं खाता और ये अपनी मादा का इतना वफादार होता है कि इसके अलावा किसी और से ताल्लुक कायम नहीं करता और इसी तरह मादा भी अपने नर से वफादारी निभाती है। अगर इन दोनों में से कोई मर जाए तो दूसरा कम से कम 3 माह तक इस जगह पर खड़ा होकर अफसोस करता रहता है और सबसे बढ़कर ये है कि तमाम जिन्नात भेड़िए से डरते हैं। अगरचे अल्लाह तबारक व तआला ने जिन्नात को बहुत ज़्यादा ताकत दी है, जिन्नात मुख्तलिफ किस्म की शक्लें इख्तियार कर सकते हैं और जिन्नात इंसानों को नज़र नहीं आते लेकिन जिन्नात इंसानों को देख सकते हैं। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने भेड़ियों को भी ये ताकत दी है कि वो जिन्नात को देख सकता है और अगर इसे कोई जिन नज़र आ जाए तो ये उस वक़्त उससे नज़र नहीं हटाता जब तक कि उसको मौत के घाट ना उतार दे। और रिवायत में आता है कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के ज़माने में जिस भेड़िए पर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने इल्ज़ाम लगाया था कि इस भेड़िए ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को खाया है, वो भेड़िया भी जन्नत में जाएगा क्योंकि जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने उस भेड़िए को हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की बारगाह में पेश किया तो उस भेड़िए ने कहा कि मैं अल्लाह तबारक व तआला की कसम खाता हूँ कि मैंने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को नहीं खाया। अगर मैंने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को खाया हो तो मैं 14वीं सदी के मौलवियों में से हूँ। प्यारे दोस्तों, आज 14वीं सदी ही है और आज की सदी में उलमाए सू की भरमार है, उलमाए हक कम ही मिलते हैं। इसी वजह से अगर आपको किसी भी किस्म का शरी मसला पूछना हो तो सही अकीदा उलमाए हक से रब्ता किया करें। और माहिरीन हवानात का कहना है कि भेड़िए और शेर के अंदर भूख पर सब्र करने का जो मलका है वो दीगर जानवरों में नहीं पाया जाता लेकिन शेर इंतहाई हदीस होने के बावजूद इस पर कादिर है कि मुद्दतों तक भूखा रह सकता है। अगर इसको खाने को कोई चीज़ ना मिले तो यह बादे नसीम पर यानी कि सुबह की ठंडी हवा पर ही गुजारा करता रहता है और इसी से ग़िज़ा हासिल करता रहता है। भेड़िए का मैदा मजबूत से मजबूत तर हड्डी को भी हजम करने और तहलील करने की सलाहियत रखता है मगर इसमें खजूर की गुठली को हजम करने की सलाहियत नहीं होती। और माहिरीन हवानात का कहना है कि इसके अंदर एक अजीबो गरीब खासियत यह भी पाई जाती है कि यह एक आंख से सोता है और दूसरी आंख से जागता है। जब एक आंख की नींद पूरी हो जाती है तो इसको खोल लेता है और दूसरी जो खुली होती है इसको बंद कर लेता है। यह ऐसा इस वजह से करता है ताकि बंद आंख से राहत हासिल कर सके और खुली हुई आंख से हिफाजत का काम ले सके। और भेड़िया तमाम जानवरों में ज़्यादा बोलने और भौंकने वाला है लेकिन जब पकड़ लिया जाता है तो ख्वाह इसको कितना ही मारा जाए या तलवार से टुकड़े टुकड़े भी कर दिए जाए तो ये हरगिज़ नहीं बोलता और इसी तरह मर जाता है क्योंकि ये गुलामी को कबूल नहीं करता और ये नडर और बेबाक होता है।
ये किसी किस्म की चापलूसी नहीं करता ताकि उसको छोड़ दिया जाए। और अल्लाह तबारक व तआला ने भेड़ियों को कुव्वत शामा यानी कि सूंघने की इस कदर जबरदस्त ताकत अदा फरमाई है कि ये कई मीलों से दूर बू सूंघ लेता है। और बकरियों के शिकार के लिए ये आमतौर पर सुबह के वक्त निकलता है, क्योंकि उस वक्त इसका ये गुमान होता है कि कुत्ते रात भर का पहरा देकर इस वक्त सो गए होंगे। और माहिरीन हैवानात का कहना है कि अगर भेड़िए के पांव जंगली प्याज के पत्ते पर पड़ जाए तो ये फौरन हलाक हो जाता है। भेड़िया जब भूख से लाचार हो जाता है तो चिल्ला उठता है। इसकी आवाज़ सुनकर जंगल के तमाम भेड़िए इसके पास आकर एक के पीछे एक लाइन से जमा हो जाते हैं। और जब भेड़ियों ने कहीं जाना होता है तो इनके जाने का तरीकाकार ये होता है कि सबसे पहले बूढ़े और लाचार भेड़िए होते हैं, उसके बाद उनसे थोड़े ताकतवर, और उसके बाद उससे ज़्यादा ताकतवर, और सबसे आखिर में जो सबसे ज़्यादा ताकतवर होता है वो चलता है और ये तमाम भेड़ियों की रखवाली करता है। और जब भेड़िया किसी इंसान के सामने आ जाता है और अपने आप को मुकाबला से आजिज समझता है तो चिल्लाने लगता है, जिससे जंगल के तमाम भेड़िए जमा हो जाते हैं और इंसान का मुकाबला करने लगते हैं। अगर इंसान इनमें से किसी एक भेड़िए को भी जख्मी कर दे तो तमाम के तमाम भेड़िए इस जख्मी भेड़िए को खाने के लिए मुतवज्जे हो जाते हैं और इंसान को छोड़ देते हैं। और माहिरीन हैवानात का कहना है कि जब इंसान भेड़िए से खौफज़दा हो जाता है तो भेड़िया इंसान पर हावी हो जाता है और इस पर हमला कर देता है। अगर उस वक़्त इंसान जुर्रत का मुजाहिरा करता है और घबराता नहीं है तो भेड़िया डर कर भाग जाता है। नाज़रीन मोहतरम, जामिउ तिर्मिज़ी की रवायत है कि हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अलामात क़यामत में से एक ये भी है कि जंगली दरिंदे और वहशी जानवर इंसानों से गुफ्तगू करेंगे। और जंगली दरिंदों और वहशी जानवरों का इंसानों से गुफ्तगू करना हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में वाकई हो चुका है। जिस तरह के हज़रत अबू सईद खुदरी रदियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं, एक बार मदीने के नवाही इलाके में एक बद्दू अपनी बकरियां चरा रहा था कि अचानक एक भेड़िया इसके रेवड़ पर हमला आवर हुआ और उसने इसकी एक बकरी पकड़ ली। अराबी ने भेड़िए का पीछा किया और इसे बकरी छुड़ा ली और उसे डांटा। भेड़िए ने इस पर मुज़ाहमत की और अपनी दुम खड़ी करके बैठ गया। अराबी को मुखातब करते हुए भेड़िया यूं बोला, तुमने अल्लाह तबारक व तआला का अता करदा रिज़्क मुझसे छीन लिया। अराबी ने कहा, कितनी अजीब बात है, भेड़िया दुम खड़ी करके मुझसे मुखातब हो रहा है। ये सुनकर भेड़िए ने कहा कि अल्लाह तबारक व तआला की कसम, तुम इससे ज़्यादा अजीब बात का मुशाहिदा करोगे। अराबी ने पूछा, इससे ज़्यादा अजीब बात क्या है? भेड़िया कहने लगा कि अल्लाह तबारक व तआला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर के दो बागों में दो पथरीली ज़मीनों के दरमियान लोगों को गुजरे हुए ज़माने की बातें बता रहे हैं और आने वाले हालात के बारे में भी मुत्तले फरमा रहे हैं। ये सुनते ही अराबी ने अपनी बकरियों को आवाज़ दी और इन्हें मदीने के पास ले आया, फिर इन्हें छोड़कर हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानब चल दिया और उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पर दस्तक दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज से फारिग हुए तो फरमाया, बकरियों वाला अराबी कहाँ है? अराबी उठकर खड़ा हो गया। चुनाचे रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो कुछ तुमने सुना और देखा वो लोगों को बतलाओ। अराबी ने भेड़िए वाला पूरा वाकया और इसकी गुफ्तगू से सहाबा इकराम आलिम रिदवान को आगाह किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक़्त इरशाद फरमाया कि अराबी ने सच कहा, कुछ अलामात ऐसी हैं जो क़्यामत से पहले ज़ाहिर होंगी। उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, क़्यामत उस वक़्त तक कायम ना होगी जब तक हालत ये ना हो जाए कि तुम्हारा एक शख्स अपने घर से निकलेगा तो इसका जूता, कोड़ा या लाठी इसे बतलाएगी कि तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे घर वाले क्या कुछ करते रहे थे। बहवाला मुसनद इमाम अहमद और अलबिदाया व नहाया। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें हर किस्म के शर से महफूज रखें और हमें आखरत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।